सो हे एवरीबॉडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो पहले तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कि इंडिया ने फाइनली न्यूजीलैंड को एक आईसीसी इवेंट में हरा दिया और हमने हमारी विनिंग स्ट्रीक इस वर्ल्ड कप में अभी तक टूटने नहीं दी और हम लगातार 5 मैच जीत के 10 पॉइंट्स के साथ इस वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पे हैं। तो अगर हम बात करें कल के मैच की, तो उससे पहले आज के मैच के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज का मैच होने वाला है मैच नंबर 22, विच विल बी प्लेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एट MH दमदम स्टेडियम चेन्नई। तो ये तो हुई आज की मैच की बात। अगर हम बात करें कल के मैच की, जो कि था मैच नंबर 21, ओ भाई मज़ा आ गया भाई कल के मैच को देख के। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो ये मैच खेला जा रहा था एट धर्मशाला और ये मैच में टॉस जीतकर इंडिया ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और इंडिया लगातार 5वीं बार इस वर्ल्ड कप में पहले बॉलिंग कर रही थी। और भाई कल बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया क्योंकि कल न्यूजीलैंड बना पाई 273 रन्स और ऑल आउट हो गई। अगर हम बात करें इस इनिंग के टॉप रन स्कोरर की, तो वो थे डैरिल मिचेल, जो कि न्यूजीलैंड के सेविंग ग्रेस बन के हर बार आ जाते हैं और भाई मैच बचा के ले जाते हैं। उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप्स की, पहले तो रचिन रविंद्र के साथ और फिर उन्होंने बनाए अपने 130 रन। अगर हम बात करें इस इनिंग के लीडिंग विकेट टेकर की, तो वो थे मोहम्मद शमी, जिनको हार्दिक पांड्या की जगह खिलाया गया था एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट वाले मैच में हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे तो वो ये कीवी एनकाउंटर नहीं खेल पाए, पर उनकी जगह मोहम्मद शमी खेले और भाई क्या खेले, वो 5 विकेट ले गए और हमें यानी कि इंडियन फैंस के मज़े करा दिए उन्होंने। अभी ये तो हो गई फर्स्ट इनिंग्स की बात। अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग्स की, तो सेकेंड इनिंग्स में इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे 50 ओवर में 274 रन्स और हमने ये टारगेट बड़ी आसानी से चेज कर लिया एट लॉस ऑफ 5 विकेट्स और हम ये मैच 5 विकेट रहते जीत गए। अगर हम बात करें इस इनिंग के लीडिंग रन स्कोरर की, तो वो थे हमारे विराट कोहली। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सेंचुरी से 5 रन चूक गए, बट एनी हाउ उन्होंने बनाए 95 रन्स। अगर हम बात करें विराट कोहली के अलावा टॉप रन स्कोरर की, तो वो था हमारे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने अपने 46 रन्स बनाए और भाई वो किस अंदाज में बनाए, मज़ा आ गया उनकी बैटिंग देख के। वो हमेशा अच्छा स्टार्ट देते हैं टीम को, जिसके कारण टीम जो है अपनी इनिंग्स बिल्ड कर पाती है। और अगर हम बात करें इस इनिंग के लीडिंग विकेट टेकर की, तो वो थे लॉकी फर्ग्यूसन, जिन्होंने 2 विकेट झटके और हम ये मैच 5 विकेट से जीत गए और इंडिया ने न्यूजीलैंड की विनिंग स्ट्रीक इस वर्ल्ड कप में तोड़ दी। जैसा हमें एक्सपेक्टेड था कि इस मैच के बाद कोई एक टीम ही अनबीटन रहेगी इस वर्ल्ड कप की, तो वो है अब इंडिया। और भाई हमने न्यूजीलैंड को फाइनली 2003 के बाद 2023 में धर्मशाला के ग्राउंड पे हरा दिया और इस तरह से हम इंडियन फैंस का 20 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। और अगर हम बात करें इस मैच के स्टैट्स और फैक्ट्स की, तो मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेट लिए, वो ऐसे पहले इंडियन बॉलर बन गए जिन्होंने वर्ल्ड कप में 2-2 5 विकेट हॉल लिए, होपिंग ऐसे 5 विकेट हॉल वो और लेते जाएं और भाई ऐसे ही इंडिया को और कई मैच जिताते जाएं। तो ये तो हो गई कल के मैच की बात और अभी भी मेरी खुशी ख़त्म नहीं हो रही है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। खैर अगर हम बात करें आज के मैच की, तो आज का मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान एट MH चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई। तो इस मैच का हाल चाल और बवाल लेके मैं आपके सामने आऊँगा बहुत जल्द एक और वीडियो में। विद दैट बीइंग सेड, वी विल रैप अप दिस वीडियो हियर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।